कित सोवेगी, कित सोवेगी पार्वती कदे आजा जरब नाड के मां। कित सोवेगी पार्वती कदे आजा जरब नाड के मां। ए तू महला में रहने आड़ी है तो रहू पाड़ के मां। कित सोवेगी पार्वती कदे आजा जरब नाड के मां। कित सोवेगी पार्वती कदे आजा जरब नाड के मां। जरब कहते चणके को कदे आजा जरब नाड़ के मां, मेरे कन तो तकिया भी कोने है। पार्वती परेशान हो जाएगी। एक लाइन में फायदा किसी राजकुमार के साथ शादी कर, और दूसरी लाइन में नुकसान बताया के? अगर बाबा भोलेनाथ के साथ ब्याह करेगी के बोले के बता दिया। यहाँ तो मिले खीर और हलवे सिंगल, यहाँ तो मिले खीर और हलवे रहे कढ़ावे चढ़े हुए। वहाँ मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े बाटे पड़े हुए। यहाँ तो सुंदर महल चबारे है मणिया तजड़े हुए। वहाँ फल खाने होंगे गोरा बेटा के निसर सड़े हुए। फल खाने होंगे गोरा बेटा के निसर सड़े हुए। जंगल में आया है क्या बात, जंगल में काटे डे हुए। भोले वाह पार्वती अपनी शकल देख, लोहन साहब की तरह कति गोरी भूरी बटे, और फिर भोले की शकल देख काला बसन डोरे हूं धूमे में रस के। ये पार्वती तू भूरी मैं काला, तू आसमान मैं जमीन, तू दिन में रात, इतने बड़े फर्क नहीं निभेंगे। न्यू बोले भोला तेरे अंग का रंग है गोरा, उबटन मल कनाड़ी गोरी काया काली हो जरम रे भभूत लगाड़ी में। हत्या में तेरे छाले पड़ जा मेरे पैर दबाड़ी में। बढ़िया साड़ी में ली हो जा धूना रोज जलाड़ी में। बढ़िया साड़ी में ली हो जा धूना रोज जलाड़ी में। रुखे फड़ा के खाने ते पार्वती शादी तो कर लो, लेकिन शादी के बाद तेरे को आदर्श पत्नी बनना होगा। आदर्श पत्नी अंग्रेजी में बीवी नंबर वन साहब। आदर्श पत्नी कौन होती है आप भी सुनना। आदर्श पत्नी तो वो होती है जो घर को स्वर्ग बना दे। आदर्श पत्नी वो होती है जो अपने पति को परमेश्वर मानती हो। आदर्श पत्नी वो होती है जो 24 घंटे में एक बार अपने पति परमेश्वर के चरण चुचकार का आशीर्वाद लेती हो। न्यू को ना करवा चौथ वाले दिन पूजा और दिन जूते मार रहे।
क्योंकि पति भी परमेश्वर होता है, ये वेद पुराण बताते हैं। अच्छा आप बताओ, आप पति के चरण छूते हो पर हाथ ठाके बताओ, बस सच लगे, माँ की कसम लगे। चलो शब्द वापस लेने पड़ेंगे। पार्वती मैया बोली, भोलेनाथ मैं तो आदर्श पत्नी बन जाऊंगी, फिर आपको भी आदर्श पति बनना पड़ेगा। अब सुनिए आदर्श पति कैसा होता है। आदर्श पति वो जो अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी मानता हो। अच्छा तुम बताओ जी, घर की लक्ष्मी मानो नहीं मानो, ये आठा के ने बताओ तो सही मान है। ये सारे अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी होती भी है और हम मानते भी है। भाभी ऐसे है कुछ चक्कर गलत तो ना, आप मानते हो? बोले शंकर भगवान की। बोला ने बोले, पार्वती मेरे कने एक काम है, आधा तू कर आधा मैं करूंगा, इले चाल पड़ी गृहस्थी। पार्वती बोली, भोले बता आपके पास क्या काम है, जो आधा आप करोगे आधा मुझे करना होगा। तो शंकर भगवान ने वो काम बताया कि मैं क्या करूंगा और तुम्हें क्या करना पड़ जाएगा। डमरू बजा के मैं नाचूंगा, डमरू बजा के नाचूंगा, डमरू बजा के मैं नाचूंगा, तन गाने गाने बढ़ जाके, डमरू बजा के नाचूंगा। भगता खातर नई नई तन वेश बनाने पड़ जाके, तूने खातर लकड़ा के बार उठाने पड़ जाके। ये भगत मने प्राणा ते प्यारे गोरा छाती लाने पड़ जाके, चने चबाने चने चबाने पड़ जाएंगे, एक है मेहताब जी। अब आराम फायदा बता भोलेनाथ ने, मेरे साथ रह गया, आराम क्या है? आराम एक है पार्वती, मेरे नाचा की नाचूंगा है, कदे सहेली ताना मारे बाबा जी तेरा दुल्हा है, भैये हवा पहाड़ के मैं ऊपर लंबा चौड़ा दुल्हा है, पीऊ नाम भांग धतूरा ये तो झूठा दुल्हा है, पीऊ नाम भांग धतूरा ये तो झूठा दुल्हा है। इस भजन की सबसे बड़ी सच्चाई लोहान साहब ये है कि 99% लोग ये मानते हैं शंकर भगवान भांग पीते हैं, नशा करते हैं, नशेड़ी है। शिव महापुराण में कहीं भी मुझे ये लेख नहीं मिला कि शंकर भगवान ने भांग पी धतूरा खाया, सब मिथ्या है, झूठ बात है। हाँ ये लेख है, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, बढ़िया बढ़िया चीज लिकड़ी आ रहा हुआ, हाथी लिकड़ा इंद्र ले गया और बढ़िया चीज दूसरा देवता ले गया, अमृत निकला, देवता राक्षस कटकट कमर गया आपस में, राहु केतु आज भी प्रमाण बताते हैं लेख। लेकिन जब विष जहर निकला, देवता भी पीछे हट गए, राक्षस भी पीछे हट गए, प्रकृति के चराचर जीवों को बचाने वाले वो नाथों के नाथ शंकर भगवान वो विष का पान करा, नीलकंठ पर जाके समाधि ली। और यहां रास्ते में बताते हैं उस जहर के पीने से शंकर भगवान के उल्टी भी लगी, उल्टी लगने से नीचे जमीन पर वो उल्टी पड़ी, उससे ये भांग और धतूरा के जो नशीले पदार्थ ये पौधे ये उससे पैदा हुए। आप देखना अपने हरियाणा में नीलकंठ हरिद्वार तक नहरों के किनारे भांग के पेड़ मिलेंगे, और ना धरती पर चाहे तुम और कहीं चल तमिलनाडु चले जाओ,
चाहे सिक्किम चले जो नागालैंड चले, ये भांग के पेड़ वहां नहीं मिलेंगे, ये यही मिलेंगे, ये भी जीता जागता सबूत है। लेकिन आजकल के स्वार्थी लोग, नशेड़ी लोग कावड़ लेने जाएंगे और न्यू कह देंगे भोले का प्रसाद है, भोले की बूटी है, भांग पीवे और कावड़ लावे, भोले के भगत झूठे भगत है। शंकर भगवान ने कह दे भांग ना पी ना कहीं लेख, साफ कह दिया पार्वती। भला पीऊ ना मैं भांग बोलते, दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के देखना, कावड़िया कावड़ उठा के केवल यही दो शब्द बोलते जो आप बोलोगे अब, के बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे हरे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। एक शब्द और बोल दो मेरा गाना सफल हो जाएगा, हाथ उठा के बोल दो, बोल दो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।